वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अरबी की सूखी सब्जी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसमें मैंने कोई भी मसाले का प्रयोग नहीं किया है। ये बिल्कुल सिंपल और स्वादिष्ट रेसिपी है और इसे बनाना भी बेहद ही आसान है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम अरबी ली है और इसको मैंने पानी में अच्छी तरह से इसको साफ कर लिया है ताकि इसकी जो मिट्टियाँ वगैरह हैं वो साफ हो जाए। और इसे हम प्रेशर कुक करेंगे 2 सीटी आने तक, ताकि ये पक जाए। और ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, फटने नहीं चाहिए। और ये देखिए अरबी जो है कुक हो चुकी है बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसको ठंडा करने के बाद इसका छिलका निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाता है। और इस तरह से मैंने सारे अरबियों को छील कर रख लिया है। और अब इनको हम काट लेंगे। यदि बड़े साइज के हैं तो 3 से 4 टुकड़ों में काट लीजिए, छोटे हैं तो 2 टुकड़ों में काट लीजिए। यानी अरबी जो है 1 इंच की मोटाई में रहनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बारीक काटेंगे तो फिर बाद में ये अच्छा नहीं बनेगा इसका सब्जी। और अरबी सारी काटने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल डाला है और इसी तेल में मैंने 10-12 लहसुन की कलियों को छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यानी एक कली का 2 से 3 टुकड़ा कर लीजिए और इसको तेल में डालेंगे। साथ में इसमें मैंने 1.5 चम्मच अजवाइन डाला है, 1.5 छोटा चम्मच अजवाइन है। और इससे जो है अरबी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन का, अजवाइन का, और हेल्दी भी रहता है, बहुत अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है अरबी। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाला है। आप जैसा तीखा खाना पसंद करें वैसा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, यानी ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन का हो जाए लहसुन, मिर्चा और अजवाइन। और ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 4 से 5 करी पत्ती। यदि आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। अब मैंने 1/4 छोटा चम्मच इसमें हींग डाला है। और अब हम डालेंगे तुरंत इसी तेल में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, कम या ज़्यादा, लेकिन तेल में ही डालें और गैस को धीमा रखें ताकि हल्दी जले ना। अब हम इसी में डालेंगे अरबी जो हमने उबाल कर और काट के रखी हुई है और इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करते वक्त गैस को थोड़ा सा आंच बढ़ा लें और इसको थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे, बस आधा मिनट तक तेज आंच पे। बहुत ही खुशबूदार ये सब्जी होती है, यकीन मानिए ये सभी को बहुत ही पसंद आएगी। बहुत चटपटी होती है, आप देख रहे हैं कितना आसान है इसे बनाना, बहुत झटपट तैयार हो जाती है। और ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे अंत में नींबू। आधा नींबू निचोड़ दीजिए, इसमें बीज नहीं रहना चाहिए। और जब नींबू आप डालें तो गैस को बंद करके डालें, कभी भी गैस को ऑन जब रहे तब नींबू नहीं डालना चाहिए, नहीं तो इसमें थोड़ा कड़वापन आ जाता है। गैस बंद होने के बाद ही डालें। और अंत में हम डालेंगे थोड़ा धनिया पत्ते, इससे इसका खुशबू और देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों, जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मैं जब भी नई रेसिपी का वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या पिंटरेस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं।